So ma'am, today Chrome Beach has completed 15 glorious year and also celebrating success of Badhai. So what do you like to say first? I'll say good luck to them. What they have been doing, I've seen their ads, a few of their ads, and of course I've been a part of Badhai. So if they continue to do this kind of work, I think they'll reach greater heights. 18th floor ne se aur upar. और मैं बधाई की बात की जाए तो बधाई ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, हमारी परिभाषा ही बदल दी है मूवी की लेकर. पहले कहा जाते थे 30-40s हो गए तो उसके बाद फिर मदर्स के रोल लेते थे, बट अब आपने स्पेशली वो परिभाषा ही चेंज कर दी. सो व्हाट यू लाइक टू से अबाउट दैट? मैंने नहीं चेंज की, अमित ने चेंज की. और मैं ता जिंदगी जितनी जिंदगी बाकी है अमित की बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे चांस नहीं देते तो शायद ये इस मुकाम तक मैं नहीं पहुँचती. और मुझे ही चांस नहीं, गजराज जी और सुरेखा जी और बहुत सारे और एक्टर्स हैं फिल्म में, और एक ऑनसेंबल कास्ट है, और ऐसा ही होना चाहिए. हीरो हीरोइन का ज़माना गया, होंगे अभी चलेंगे लाइक अमित सेड, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू अमित दैट ही सिलेक्टेड मी टू प्ले दिस पार्ट. अब ये जमाना खत्म हो गया है. यू सी एक्ट्रेसेस, यू सी करीना, यू सी ऑल दीज एक्ट्रेसेस, प्रियंका, ऑल द बिगेस्ट स्टार्स आर गेटिंग मैरिड एंड दे आर नॉट रिटायरिंग, दे आर कमिंग बैक टू वर्क. वो अपना फिटनेस में है, फिट रहती हैं, एंड दे कमिंग बैक टू वर्क. सो वो टाइम चले गए कि शादी हो गई तो ख़त्म. आई मीन इवन द बॉयज़ आर मैरिड एंड दे आर वर्किंग. पहले तो बॉयज़ भी शादी नहीं करते थे कि करियर ख़त्म हो जाएगा ना. ओके मैम, आपके मन में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो जिस पर मूवी बननी चाहिए फ्यूचर, अभी तक नहीं बनी, ऐसा कोई सब्जेक्ट? हाँ, मेरे को लगता है कि औरतों के और सब्जेक्ट्स पर मूवी बननी चाहिए. मुझे लगता है कि गरीब औरतें जिस तरह से अपना जीवन जीती हैं उस पर मूवी बननी चाहिए. एक गरीब औरत जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं हमारी कंट्री में, और मेरे को उनसे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उनकी तकलीफ़ें देख के. तो मुझे लगता है कि उनकी तकलीफ़ों पर ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए जिससे
उनको कुछ फ़ायदा हो. दैट्स व्हाट आई विश. थैंक यू. पिक्चर्स, आलिया, अमित, हेमंत और क्रोम पिक्चर्स की पूरी टीम को ट्रक भर के बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं. बहुत अच्छे एड फिल्म बनाते थे वो इतने साल से, और अभी उन्होंने ये शानदार फिल्म बनाई है. और मेरी दुआ है, शुभकामना है कि हर साल वो ऐसी फिल्म बनाएँ, 100-200 करोड़ रुपये कमाएँ वो लोग. ओके, मूवी की बात की जाए तो बधाई हो, एक ट्रेंड सेट कर चुकी है, एक मैसेज भी दे रही है कि एज कोई मैटर नहीं करता है. हाँ, कोई भी एज पे वो लीड कर सकती है, एक सोशल मैसेज भी दे सकती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट बात है, एज मैटर नहीं करती. और ये सोशली भी बहुत रिलेवेंट है और फिल्म वाइज भी, जो कि इस तरह की जो उम्र के कैरेक्टर है, जो रियल लाइफ में होता है कि रियल लाइफ में 40-50 साल की उम्र लोग रिडंडेंट थोड़ी हो जाते हैं, वो सिनेमा में एक ऐसा एक रहता है कि हाँ आपका जो हीरो हीरो दिखना चाहिए और हीरोइन दिखने चाहिए. तो शायद वो इसके बाद से थोड़ा बदलाव आएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी, हमारे जैसे एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा. ओके सर, बधाई हो के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा पब्लिक के लिए सरप्राइज? देखो यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का कुछ पार्ट जो यंग डायरेक्टर्स हैं, यंग राइटर्स हैं, जो ये फिल्म देखने के बाद और इस तरह के कॉन्सेप्ट के सक्सेस के बाद शायद उनके अंदर भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन आएगी और इस तरह के कैरेक्टर्स वो लिखेंगे जिसके अंदर मैं, मेरे जैसे लोग या मेरे जैसी उम्र के एक्टर्स या नीना जी जैसे एक्ट्रेसेस के लिए अच्छे पार्ट्स लिखे जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. सर, कैरेक्टर रोल्स आजकल बहुत ही इंप्रेसिव हो गया, नमाज की बात कर रहे हैं या पंकज त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा नाम हो रहा है, क्या कहना चाहिए, कितना जरूरी था पहले से ही ज़्यादा? हाई टाइम था, बहुत हाई टाइम था. और उसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका, जो नेटफ्लिक्स और अमेजन या बाकी जो OTT चैनल्स आए हैं, जिसकी वजह से कॉन्टेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग देखने के लिए जो ऑडियंस की जो भूख है, और खासतौर पे यंगर ऑडियंस की, जिनके पास ये सारे प्लेटफॉर्म थे और वो पूरे दुनिया भर के शोज़, वेब शोज़ और सिनेमा देख रहे थे, तो उनको उनसे अब ये छुपा नहीं सकते हैं, अभी उनको इस चीज़ से महरूम नहीं रख सकते हैं कि अच्छा कंटेंट मिले. और सिम्बा भी ज़रूरी है और बधाई वो भी ज़रूरी है और अंधाधुन भी ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच. रेडी. ओके सर, क्रोम पिक्चर्स को 5 साल पूरे हो गए, साथ ही साथ आज बधाई हो की सक्सेस
बधाई हो बधाई जैसे जो आदमी फिल्म बनाते हैं उनको तो साल में हर बार पार्टी करनी चाहिए। एंड अमित शर्मा इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, इतना अच्छा डायरेक्टर, इतना नपातुला काम किया जिस तरह से उन्होंने पिक्चर को संवारा है, वेरी कमेंडेबल। तो उनको तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आने वाली फिल्मों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओके बताया सर, बधाई और मेगा हिट फिल्म है, सब्जेक्ट काफ़ी अलग, क्या चाहेंगे सर आज के दौर में आउट ऑफ द बॉक्स बनाना कितना जरूरी हो गया है? बहुत ज़रूरी हो गया है, ऑडियंस बड़ी समझदार हो गई है। और क्या है कि ये इससे पहले भी एक साल ऐसा आया था 2013 जब इस तरह की फिल्में बहुत चली थी, तो इस मुगालते में हम ना रहे कि ये एक ट्रेंड है, कि 2013 में भी ऐसी कई छोटी फिल्में थी वो बहुत चली थी, कहानी थी, इंग्लिश विंग्लिश थी, मेरी पान सिंह तोमर थी, सैबी गैंगस्टर थी, फिर 14, 15, 16 फिर वही बकवास फिल्में, फिर ये 17 आया, फिर 17 में कुछ अच्छी फिल्में, तो ये उतार चढ़ाव फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहता है। लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम कंटेंट बेस्ड फिल्में आ रही हैं, और अमित शर्मा जो हैं हमारे दोस्त हैं और उनकी जो ये कोशिश है वो इतनी भरसक कामयाब हुई है। सर, आपने अपने करियर में कोई आम फिल्में नहीं बनाई, अलग लीक से हटकर फिल्म बनाई, तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है डायरेक्टर को लीक से हटकर फिल्म बनाना, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो होता है वो कितना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कमर्शियल सक्सेस चाहिए? हाँ, कमर्शियल सक्सेस चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस चाहिए कमर्शियल सक्सेस की ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दोस्त यार और आप लोग फिल्म को सराहें, क्योंकि हम लोग फिल्मी फैमिली के तो है नहीं कि हमको उस तरह के सक्सेस की आदत है। हम तो ये शौक़ है, शौक़ पूरा करने आए, और इस शौक को अगर कोई सराह दे वही हमारी सक्सेस है। कॉम्प्लेक्सिटी हाँ, पता नहीं क्यों ऐसी गलती करते हैं लोग, इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, कईयों का नाम आया है, थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए इस तरह की। जो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए बहुत सारे और ज़रिए हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी बदतमीज़ी है और मैं उसके कतई खिलाफ हूँ। से और सबसे उसके लिए बहुत बहुत खुशी होती है, देख और बहुत मज़ा आता है। नहीं, अभी बिग पार्ट ऑफ द दंगल जो मेजर हिट वर्ल्ड वाइड हुई है, तो इस सक्सेस और दंगल के सक्सेस को अगर कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब दंगल अपने में एक अच्छी मूवी थी, मेरी पहली मूवी थी, वो ज़्यादा मतलब वो ऐसा था कि वो अलग ही जोश था, क्योंकि फर्स्ट मूवी है और आमिर सर के साथ है, तो वो अलग ही, इट वॉज वेरी स्पेशल। बट दिस वन इज़ मोर स्पेशल बिकॉज इट वॉज माई थर्ड फिल्म एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एज एन एक्टर, इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क विद सच अमेजिंग एक्टर्स, टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक अमित, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मेरी हर फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और सक्सेस होता है लोग पसंद करते हैं उससे
मतलब बेटर कुछ चीज़ है ही नहीं। तो डोनो लाइन 2-3 इयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे, मेंटोर कितना जरूरी होता है इंडस्ट्री में? मुझे कितने साल हो गए हैं? आई थिंक मुझे 2 साल हुए। व्हाट यू से मेंटोर कितना जरूरी था? यू हैव वर्क आमिर खान इन योर डेब्यू मूवी, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक अचीवमेंट मानती हैं और कितना जरूरी था मेंटोर होना? मुझे लगता है कि बहुत स्पेशली व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पहली फिल्म जो हो वो बहुत अच्छी हो। मेरे लिए और फातिमा के लिए बहुत ही मतलब ज़ायरा सुहानी ऋत्विक सबके लिए एक इतना स्पेशल चीज़ था कि हमें दंगल जैसी पहली मूवी मिली। जो आपकी मूवी पहली मूवी इतनी अच्छी हो तो आपके आगे के रास्ते मुझे लगता है बहुत सिंपल हो जाते हैं। वही हुआ मेरी फर्स्ट मूवी के बाद, मुझे ऐसा लगता था कि पहली मूवी के बाद इतना कुछ बदलेगा नहीं, बट बदला और बहुत अच्छा बदला। लास्टली ये पूछना चाहूँगा, बहुत लोगों का सपना होता है यू नो एक्ट्रेस बनना, एक्टर बनना, ड्रीम कम ट्रू समथिंग, लेकिन काफ़ी सारी नेगेटिविटी भी है इस इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में क्या, हैव यू एवर बीन अफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी ऑफ द इंडस्ट्री? एक्चुअली नो, नेवर, बट मैं मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ नहीं हुआ था, किसी और के साथ नहीं हुआ, आई एम श्योर है, और मतलब पर मैंने कभी ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। मेरा जितना जर्नी रहा है इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत ही वेलकमिंग रहा है, बहुत ही वार्म रहा है और बहुत मज़ेदार रहा है। बधाई हो, बधाई हो। अरे भाई, उसका नाम क्या है? ए प्रभात, और उधर ग्लास उधर चले जाना पूछने को। थैंक यू मैम। Yes. And also they are celebrating success of Badhai. Yes. So what do you like to say? You know, I think it's great because Amit Sharma is a very very dear friend of mine. Alia and Hemant, they are very very dear friends of mine. And सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि you know finally content is above everything else. And it's a great time for the film industry. It's a great time for the audience. You know, जो फिल्में अच्छी हैं वही चलेंगी. And I'm just very happy. I'm just very happy that I'm here to success, to celebrate the success of Badhai Ho. Okay sir, 2018 is known for a content-driven film, Haan ji. Not a stardom or not a well-known face. Haan ji. So क्या हम कह सकते हैं कि अब वो time आ चुका है कि real जो content movie है वो ही अब चलेगी या लोगों को अभी क्या है? ये तो already होना शुरू हो गया था, but ये साल तो एकदम सामने उठ के आया है. And I think it's great. ये ऐसा ही होना चाहिए, तो देर आए पर दुरुस्त आए. आई थिंक आई एम रियली रियली हैप्पी. और थोड़ी सी और मेहनत हमें करनी पड़ेगी एज एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स. एंड यू नो वो 200-250 रुपये जो ऑडियंस खर्चा करेगी, एटलीस्ट इट विल बी वर्थ देयर वाइल. एंड यू डोंट नीड टू टेल देम, अच्छी फिल्म है यू सी द जंप, अगर अच्छी फिल्म नहीं है यू सी द ड्रॉप. ओके जैकी, और आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप चाहते हैं जिस पर मूवी करें, या मैं उरी जैसी एक फिल्म करना चाहता था. अब जैसे विकी कौशल ने वो कर लिया, एंड आई थिंक ही वाज फैबुलस इन इट. बट मैं कुछ ऐसा ड्रामा और कुछ मैं या तो भीकू मात्रे जैसा कुछ करना चाहता हूँ सत्या में. सो मैं कुछ टेढ़ा करना चाहता हूँ नेक्स्ट एज एन एक्टर. सो लेट्स सी वेयर द डेस्टिनी टेक्स मी. सर क्या कहते हैं, आफ्टर मित्रो ऐसे ही कोई कंटेंट में आप काम कर रहे हैं नेक्स्ट? कोशिश तो यही है, मुझे कुछ एकदम ही टेढ़ा करना, मुझे लंगड़ा त्यागी करना है ओमकारा में जो सैफ अली खान थे. सो लेट्स सी, कुछ एक्साइटिंग लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगा. Okay,
It's your party. मैं यहाँ पर हूँ एंड आई एम सो सो हैप्पी फॉर हिम एंड सो प्राउड ऑफ हिम एंड द वर्क दैट इज डन इज ट्रेमेंडस. इतने अच्छे एड्स बनाते हैं, हर एड जो बनाते हैं हमें रुला देते हैं, हंसाते हैं. और मेरे one of my favorite directors hai, I've worked with him in Tevar and he's truly truly fantastic and he's proved it again in Badai Ho, so which I haven't watched but I will very very soon, I promise you Amit. But yeah, I'm very happy for him. Better you watch it soon. soon I promise. Badai Ho movie ke baad ek trend set ho chuki hai, kya content leading films hi chalegi, koi matlab sab bade naam zaruri nahi hai movie mein, trend naam bhi hoge chalegi, no, but content driven film honi chahiye. Nahi but ye to hamesha se hote aa rahi hai, film जितनी बड़ी हो छोटी हो फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो, उसमें कंटेंट हो अच्छा, तो फिल्म ज़रूर चलती है. ओके मैम, मार्च से दबंग शुरू होने वाली है, दबंग फिल्म अप्रैल से, तो क्या कहना चाहिए? हमने अरबाज जी से बात की है तो उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन का काम चल रहा है, शायद फर्स्ट गाना शूट करने वाले हैं, तो क्या कहना चाहिए उसका, कितना एक्साइटेड है वापस? बहुत ही ज़्यादा, बेहद. मतलब दबंग वन, दबंग टू हुआ, टू के बाद काफ़ी बड़ा लंबा ब्रेक हुआ है, थ्री अब शुरू होने वाली है. इट्स ऑलवेज लाइक गोइंग बैक होम फॉर मी, मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी एंड इट्स लाइक होम कमिंग, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. यस, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, बाय गाइस. They want your bite. First take his bite, he's the distributor of the film. Then I'll give it. They won't ask for the film. He's not coming on me. He's very camera shy, does not mind. ओके सो क्रोम को पहले का तो 15 इयर्स पूरे हो चुके हैं, वो एक बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन है, और दूसरा बधाई हो, उसकी सक्सेस पार्टी रखी गई है आज, तो क्या कहना चाहेंगे मामा? आई थिंक बधाई हो ही बधाई हो बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो 15 इयर्स एनिवर्सरी है उनकी एंड व्हाट अ राइट मोमेंट. द मूवी इज़ आल्सो डन सो वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर अमित एंड हिज एंटायर टीम एंड देयर ही इज देयर ऑल ऑफ देम देयर एंड आई एम हैप्पी फॉर आयुष्मान. आई थिंक नीना जी वॉज सो फैंटास्टिक इन द फिल्म एंड आई थिंक दीज यू नो दिस जॉनर ऑफ फिल्म विच इज़ डूइंग यू नो सो फैंटास्टिकली वेल ग्लोबली एज इन देयर गुड इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट एंड प्लस देयर डूइंग कमर्शियली ऑल्सो सो वेल इज सच अ प्लेजर. इट्स सच अ प्लेजर. ओके मैम, ऑल्सो बधाई होने एक ट्रेंड सेट किया है, क्योंकि कंटेंट उसका इतना अच्छा था जिसकी वजह से फिल्म चली है, तो ऐसा लगता है कि अब कंटेंट को ज़्यादा मायने देने लगती है. आई थिंक कंटेंट इज हैज़ ऑलवेज बीन किंग टू अ सर्टन एक्सटेंट. वेरी वेरी सेलेबल स्टार और द सुपर स्टार्स ऑफ आर इंडस्ट्री डेफिनेटली हैव द फैन बेस विच इनिशियली अट्रैक्ट्स द ऑडियंस इन द थिएटर, बट इफ इवन इफ दे आर देयर इन द मूवी एंड द कॉन्टेंट इज़ नॉट गुड, द मूवी डजंट डू वेल.
But if the content is good and plus you have a you know star, you do get a certain amount of commercial success. But a film like this, which has Ayushman, which has Neena Ji, which has such amazing actors, also holds its own and has done so well commercially. I think I'm not a person to say. The distributor, the director of the film, the producer of the film will have more to say. So, but like I said, I see a great future for films like this and a great future for the industry because of films like this. So, thumbs up. Thank you guys. I will give him some.